भारत के वामपंथी और विपक्ष भारत सरकार को घेर रही है कि आप रसिया और यूक्रेन पे कुछ बोले। भारत के नागरिक और मेडिकल के तैयारी करने वाले छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आप चुनाव पे नजर बनाए हुए हैं, तो स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। जो लोग स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि आपको जब सरकार बता रही थी, आपको जब समझा रही थी, तो आपने यूक्रेन खाली क्यों नहीं किया, आपने यूक्रेन को छोड़ा क्यों नहीं, मतलब सिर्फ युद्ध की आशंका से स्टूडेंट अपना सारा पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो वापस आ जाए। कोरोना के चलते उनका पढ़ाई बर्बाद हुआ, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि रूस ऐसा करेगा। वहाँ जो स्टूडेंट है, अधिकतर मेडिकल के स्टूडेंट है, 2 साल से उनका पढ़ाई बाधित हुआ है। उसके बाद यूनिवर्सिटी के लोग और भारतीय दूतावास, उसमें भी यूनिवर्सिटी के लोग बार बार यही कह रहे थे, आप पैनिक नहीं होइए, आप डरिए मत, हमारी नज़र इन पे है। उसके बाद बताओ स्टूडेंट क्या करे। रहा बात स्टूडेंट को वहाँ से निकालने की, तो भारत यूक्रेन के सीमावर्ती देशों से बात कर रहा है और उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तब एक विमान भारतीय स्टूडेंट को लेकर भारत पहुंच गया है। जो लोग भारत सरकार पे यह इल्जाम लगा रहे कि आपने एयरलाइंस को बेच दिया है जिससे वह अपना प्राइस ज्यादा कर दिया है। पहले तो यूक्रेन अपना एयर स्पेस बंद की हुई है, अगर भारत किसी तरह वहां प्लेन उतारता भी है ना, अगर यूक्रेन या रसिया किसी ने उसको हिट किया या उसे गिरा दिया, तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा, उसका खर्चा उसे कौन देगा। एक जहाज के साथ उसका पायलट होता है, को पायलट होता है, कर्मचारी होता है, उन लोगों की जान का जिम्मेवारी कौन लेगा। अगर सरकार को लगता है कि ये कंपनी ज़्यादा चार्ज कर रही है या वो जाना नहीं चाहती, स्टूडेंट को लाना नहीं चाहती, तो सरकार के पास और ऑप्शन है। वहाँ फंसे हुए स्टूडेंट सरकार पे इल्ज़ाम लगा रही कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ रो रहे हैं, डरे हुए हैं, वो वहाँ जिस परिस्थिति में है वो कुछ भी बोलेंगे, तो सरकार को या हमें बुरा नहीं माननी चाहिए। इससे पहले भी अफगानिस्तान में आर्मी के जहाज उतारे गए हैं, ग्लोब मास्टर उतरा है। लोग कैसे सोच सकते हैं कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सरकार छोड़ देगी। जब बात यूक्रेन की आती है ना, तो ये साफ देखा जा सकता है कि यूक्रेन ने भारत का कभी साथ नहीं दिया। जब बात जम्मू कश्मीर की आई ना, तो यूक्रेन ने यूएनओ में भारत के खिलाफ वोट किया। जब बात परमाणु परीक्षण की आई ना, यूक्रेन ने यूएनओ में भारत के खिलाफ वोटिंग की है। जब भारत को यूएनओ में अस्थायी सदस्य बनने की बात आई, तो यूक्रेन ने यूएनओ में भारत के खिलाफ वोटिंग की। ऐसा भी कहा जाता है ना कि यूक्रेन अलकायदा का समर्थन करता है, और सबसे बड़ी बात यह है ना कि यूक्रेन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है। फिर वो किस उम्मीद से भारत की तरफ आस लगा के देख रहा है, उसे तो पाकिस्तान से मदद मांगनी चाहिए। जब यूएनओ भारत पे प्रतिबंध लगा रहा था, तो यूक्रेन ने प्रतिबंध के पक्ष में वोट किया था, मतलब यूक्रेन चाहता था कि भारत पे प्रतिबंध लगे। लोग भारत सरकार को पिन कर रहे हैं, उन्हें उसका रहे कि आप कुछ बोलिए, कुछ स्टेटमेंट दीजिए। डिप्लोमेसी में कुछ नहीं बोलना भी एक स्टैंड होता है। हम यूक्रेन का सपोर्ट कैसे कर दें, वो हमेशा हमारे विरुद्ध कार्य किया है। कुछ लोग हर देश में होते हैं कि सरकार के विरुद्ध हमेशा बोलते रहे, अच्छा हो खराब हो, देश हो विदेश हो, कहीं भी कुछ हो, उसको सरकार को बोलना ही। ऐसे लोगों को दूसरे की गलती नहीं दिखाई देती। अमेरिका या नाटो ने क्या उखाड़ लिया, उन्होंने यूक्रेन को उसका कर आग में कुदा दिया। अब वो बोलते कि नाटो की सेना युद्ध में नहीं उतरेगी। अमेरिका की रणनीति शुरू से यही रही है, आग लगाओ और डीले खड़ा हो जाओ। हमने अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ देखा है, हमने सीरिया के साथ क्या हुआ देखा है। अमेरिका ने जो अफगानिस्तान के साथ किया, जो सीरिया के साथ किया, वही अब यूक्रेन के साथ कर रहा है। इसमें नया क्या है। विपक्ष और वामपंथी 1971 का इंडिया पाकिस्तान युद्ध कैसे भूल सकता है, जिसमें पूरा पश्चिमी देश भारत के खिलाफ था। जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा यूएसएस इंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में भेजा,
ब्रिटेन का ईगल भी अमेरिका के साथ ही खड़ा था। उस दोस्त को आप कैसे भूल सकते हो जो भारत के लिए पूरे विश्व से लड़ने को तैयार हो गया था। रूस भारत का वही दोस्त है जो 1971 में इंडिया पाक युद्ध के समय अपने 40वें बेड़े को ब्रिटेन और अमेरिका के सामने लाके खड़ा कर दिया था, वो भी भारत के लिए, वो भी हमारे लिए। हम रूस का साथ कैसे छोड़ दें जब अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, श्रीलंका, फ्रांस हमारे विरुद्ध खड़ा था, जिन्होंने पूरे विश्व से खुलकर कहा भारत पर हमला रसिया पे सीधे हमला माना जाएगा। उस दोस्त को भारत कैसे छोड़ दे जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। अब बात अमेरिका की करते हैं। यूएस एक प्लान के तहत रसिया के जितने सीमावर्ती देश हैं उसको नाटो में मिला रहा है। विश्व में और तो छोटे देश हैं, लेकिन नाटो हो या अमेरिका हो उसका उसे कोई चिंता नहीं है। वो सिर्फ रसिया के अगल बगल के देशों को ही अब नाटो में मिलाता है। ऐसा नहीं है, रसिया बहुत पहले से बोलता आ रहा है कि आप हमारे सीमावर्ती देशों को मेरे खिलाफ क्यों कर रहे हैं। नाटो का बहाना बना के आप वहाँ फोर्स और मिसाइलें भेज रहे हैं। यूएस का पुराना इतिहास रहा है कि छोटे देशों को सहायता का भरोसा दिलाओ और जब वो देश बर्बाद होने लगे तो उन्हें छोड़ के चले जाओ, जो उन्होंने अफगानिस्तान के साथ किया। अमेरिका की सेना 20 घंटे में अफगानिस्तान को खाली कर दी। जियो पॉलिटिक्स में इमोशन से काम नहीं चलता। यूक्रेन के लीडरों ने दूसरे देशों के बहकावे में आकर अपने देश के मासूम लोगों को मुसीबत में डाल दिया। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।